मेटालिक डोर फॉर एग्जांपल, ये एक मेटालिक डोर है। आपको मालूम है कि मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मेटल पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है। चले, ये हमारे पास एक पेंट गन है। पेंट गन, इसके अंदर हमारे पास पेंट मौजूद है इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही पेंट के पार्टिकल्स यहां से वन बाय वन निकलते हैं, यहां पर जब वो होते हैं तो ड्रॉप्स फॉर्म में होते हैं। जैसे ही वो इससे निकलते हैं तो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही ये निकलते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से आकर स्ट्राइक करता है तो यहां पर एक यूनिफॉर्म कोटिंग सी बन जाती है, एक यूनिफॉर्म लेयर सी बन जाती है, और आपके पास जो इलेक्ट्रोपेंटिंग का प्रोसेस है वो बड़ा यूनिफॉर्म किस्म का हो जाता है, और बिल्कुल एक बिल्कुल यूनिफॉर्म जैसी एक तह बन जाती है पेंट किसी भी डोर के ऊपर, और पेंट भी कम खर्च हुआ होता है, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है, दैट इज डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो थंडर फॉल होता है मोस्टली खुली जगहों पर होता है, या उन जगहों पर होता है जहां पर जो बिल्डिंग ज्यादा हाई होती है, ठीक है। अब इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, मैं आपको इसका बेसिक मैकेनिज्म समझा रहा हूं, गौर से देखें। बेसिकली क्लाउड पार्ट, ये हमारे पास क्लाउड है। क्या है? क्लाउड। क्लाउड में बेसिकली क्या होता है? आइस पार्टिकल्स होते हैं और मॉइस्चर होता है। क्या होता है? आइस पार्टिकल्स होते हैं और मॉइस्चर होता है। अच्छा, जब क्लाउड मूव कर रहा होता है तो ये आइस पार्टिकल्स और मॉइस्चर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं? स्ट्राइक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास इनिशियली जो क्लाउड है वो तो न्यूट्रल बॉडी होता है, उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल नंबर पे होते हैं। जैसे ही ये क्लाउड मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाउड का एक पोर्शन पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा पोर्शन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि क्लाउड का साइज विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहा होता है। यस सर। क्लाउड का साइज एक जैसा नहीं होता, वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा होता है। तो ये क्लाउड क्या करते रहते हैं? दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन साइज। और ये जो नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड है या जो कंसेंट्रेशन है नेगेटिव चार्जेस की, वो ज्यादा होती जाती है, और साथ साथ यहां पर पॉजिटिव चार्जेस की जो कंसेंट्रेशन है वो भी ज्यादा होना शुरू हो जाती है, इक्वल अमाउंट में हो रहे होते हैं। अब यहां पर अगर कोई हाई बिल्डिंग है, दिस इज एनी सॉर्ट ऑफ हाई बिल्डिंग, ठीक है, या अगर आपके पास कोई ट्री वगैरह है, ठीक है, आपके पास ये ट्री वगैरह यहां पर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि ये ट्री और ये बिल्डिंग वगैरह ग्राउंड के साथ टच होती है। क्या होती है? ग्राउंड के साथ टच होती है। कंसिडर कर लें, अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि ग्राउंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज लो पोटेंशियल। ग्राउंड को हमेशा लो पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। ग्राउंड हमेशा लो पोटेंशियल कंसिडर। आपने नोटिस किया होगा ये गांव वगैरह इस तरह होता है, जिन लोगों को करंट लग चुका होता है या बिजली उनको लग चुकी होती है, हम क्या करते हैं? सर खोद के उस बंदे को अंदर कर देते, सर उसका बाहर हो, सारे चार्जेस उससे बाहर निकल जाते, न्यूट्रल हो जाते, सही है। आपने नोटिस किया होगा कि अर्थ इज अ बेस्ट न्यूट्रलाइजर। अर्थ क्या है? ये एक बेस्ट न्यूट्रलाइजर का काम करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। आप जब नमाज पढ़ के आते हो यू फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, क्यों? डेली लाइफ में आपकी बॉडी के ऊपर चार्जेस आ रहे होते हैं, आपकी बॉडी के साथ स्टिक हो चुके होते हैं। जैसे ही आप सर्दी में जाते हो सारे चार्जेस आपकी बॉडी से आपके फोरहेड पे आते हैं, और ग्राउंड के साथ आप जैसे ही टच होते हैं सारे के सारे चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पर? ग्राउंड को। आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है एंड यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक रीजनिंग।
अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि ग्राउंड बेसिकली लो पोटेंशियल कंसीडर होता है, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिवली चार्ज। तो इस फ्रीज के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हाई बिल्डिंग के ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही ये क्लाउड का साइज बढ़ रहा होता है, ये फॉल हो जाता है किस पे? हाई बिल्डिंग के ऊपर या जो ट्रीज वगैरह, जो टॉल ट्रीज होती हैं, उसके ऊपर फॉल हो जाता है। इसको हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। सही हो गया सर। वो लोग कहते हैं कि आप ग्रीन ट्री के नीचे जब बैठेंगे तो थंडर स्टॉर्म की